हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्विक रीडिंग एंड द टॉपिक ऑफ दिस रीडिंग इज योर करंट एनर्जी। इट्स नॉट अबाउट योर पार्टनर, इट्स अबाउट योर करंट एनर्जी। तो हम बहुत ही शॉर्ट और बहुत क्विक सी रीडिंग करेंगे जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस वक्त एनर्जीज क्या हैं। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बाज़ाफ़ा हमें किसी भी सिचुएशन में रहते हुए, किसी भी मसले में रहते हुए या किसी प्रोजेक्ट पे रहते हुए, कुछ काम करते हुए हमें जो है ये पता नहीं होता, हम स्टक फील कर रहे होते, तो हमें रीजंस नहीं मिल रही होती। तो वील सी थ्रू दिस रीडिंग। इट्स गोइंग टू बी टाइमलेस रीडिंग, इट विल बी लाइक क्विक रीडिंग। आप जब भी इसको देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। आप इसको हर तरह के जो है वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो इसमें जो भी मैसेजेस आए वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरी और जो है फोर्सफुली अपने ऊपर जो है वो मैसेजेस को इम्पोज मत कीजिएगा कि भाई टैरो में ये रीडिंग्स निकली हैं तो मैं इनको जो है वो अपने ऊपर हावी कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। गिव योर सेल्फ अ बिग स्माइल, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, रिलैक्स। लेट्स सी, बिकॉज ये क्विक एनर्जी रीडिंग होगी तो हम आपकी एनर्जीज में ट्यून इन होने की कोशिश करेंगे। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे पार्टनर की या सॉरी मेरे व्यूअर की, मैं पार्टनर की रीडिंग्स कर रही हूँ तो इस वजह से मेरे मुँह से पार्टनर निकल रहा है। ऑलराइट, हो सकता है आपके पार्टनर की भी एनर्जीज में आ जाए, बट आपकी क्विक एनर्जी। ऑलराइट, ओके, पेज ऑफ कप्स, कोई लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है या आपने अभी कोई रिसेंटली लव ऑफ़र एक्सेप्ट की है, किसी ने आपको प्रपोज़ किया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन है इस वक्त आपकी लाइफ में, आप जिसको फैमिली मटेरियल या सॉरी इसको मैं करीब कर देती हूँ, किसी को आप कोई फैमिली मटेरियल समझते हैं वो आपको या आप उनको, आपकी करंट एनर्जी इस वक्त ऐसी हैं या तो आप इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। रिसेंटली जिसको आपको, आपको जिन्होंने आपको जो है अपना कप ऑफ़र किया, अपनी लव ऑफ़र की है, कोई नया इमोशन, इमोशनल बॉन्ड है, कोई नया कनेक्शन है यहाँ पर आपके साथ हुआ है और प्रोलॉन्ग होता भी नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, आप शायद सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं जो हूँ वो इस प्रपोज़ल को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये होगा बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी करंट एनर्जीज यही बता रही हैं। आप इस वक्त एक बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में भी हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डीप विदिन जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी होती है। अगर हाई प्रीसेस को देखा जाए, उसको अपने सबकॉन्शियस पर, अपने डिसीजंस पर जो है वो बहुत क्लैरिटी होती है, बहुत कमांड होती है। तो अगर जो भी व्यूअर्स मेरे इस वक्त इस एनर्जी, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि रिसेंटली आपको कोई लव ऑफ़र मिली है, आप किसी बिल्कुल फ्रेश और न्यू रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं या आपको किसी ने कोई जो है वो अपना कप ऑफ़र किया है और आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जॉयश मूड में हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, उस लव को फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को इन्जॉय कर रहे हैं। एक यंग सी एनर्जी अब आपके अंदर आई है और अगर आप इसको परस्यू करेंगे तो आपके पर्सन आपके अंदर और आप ही अपने पर्सन में, जिनकी करंट एनर्जी जिस वक्त मैं पिक कर रही हूँ, वो फ्यूचर तक इस चीज़ को आगे ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको, आप जिस भी एनर्जी में इस वक्त हैं, आपको ऐसा भी फील हो रहा है अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें तो ये एक बहुत अच्छा फैमिली ओरिएंटेड जो है वो रिलेशनशिप बन सकता है। और आपके डिसीजन जो हैं वो काफ़ी डीप और बहुत ही डिटेल थॉट प्रोसेस के साथ होने के बाद होते हैं। आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हर चीज़ के जो है वो डोर्स को अनलॉक करने में आप में एबिलिटी है, आप सिर्फ सोचते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगर मैं क्विक एनर्जी की बात करूँ तो यस, आप इस वक्त किसी एक न्यू फ्रेश रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपको नज़र आ रही है और ये पोटेंशियल तब होगी जब आपके पास डिसीजन मेकिंग आएगी। इस वक्त तक तो ऐसा लग रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, वट एवर यू विल डिसाइड इट विल हैपन द वे यू वॉन्ट। लेट्स टेक मोर कार्ड, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड,
मेरे ख़्याल से बहुत अरसे से आप बहुत ज़्यादा सोचों में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, रातों की नींदें ख़राब हुई हुई थी, आपकी हेल्थ भी सही नहीं थी, और आप जो है वो रेडी तो थे किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन आपके पास रिलेशनशिप जो है वो किसी मसलों की वजह से, आपके पास वो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑल्दो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, आपको किसी ने जो लव ऑफ़र किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि आपकी भी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग करने वाली है। जैसे पहले ही कार्ड आ गया था कि बहुत ज़्यादा डीप विद इन और सबकॉन्शियस पे अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है हाई प्रीस्टेस को, आपकी एनर्जी भी ऐसी है। आपके साथ दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि आपने इसको सेंस कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपने इस रिलेशनशिप को या इस न्यू ऑफ़र को जो है वो मैनिफेस्ट किया है। यानी कोई ऐसे पास में ऐसी चीज़ें आपकी रिसेंटली हुई जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे और बहुत अरसे तक रहे हैं, कोई हार्ट ब्रेक हुआ होगा, किसी का फैमिली में कोई लॉस हुआ होगा, लेकिन ये कम्प्लीटली मुझे आपकी एनर्जी लग रही है क्योंकि आप बहुत अरसे मतलब बीमार भी रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है और अब आई थिंक डिवाइन ने आपको ये लव ऑफ़र किया है। ऑल्दो ये एक एज में यंग हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको इनके साथ लगता होगा कि देर इज़ नो इशू और देर इज़ नो प्रॉब्लम इन हिज और इन हर लाइफ, तो ये बड़ी ही बहुत ही एनर्जेटिक सा जो कोई रिलेशनशिप है जो बिल्कुल फ्रेशली आपके पास आया है और आप इसमें खुद बहुत ज़्यादा यंग फील कर रहे हैं। आपको एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको जब सब चीज़ें अपने सामने नज़र आ रही हैं तो स्टक फील ना करें, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, बिकॉज दिस इज़ समथिंग हेवनली सेंट वाली बात है कि आपको अभी ये कुदरत की तरफ से एक ऑफ़र आ रही है। तो अगर आपकी एक स्टक सी, एक सफोकेटिंग सी जो है वो आप एनर्जी में हैं, तो आई गेस आपके लिए मैसेज यही है कि आप इसमें से बाहर आएं। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोर्ड्स का आया है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही क्लियर कट अपने डिसीजंस रखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यही बताया कि आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको इस ऑफ़र के थ्रू आपको ये पता चल गया है कि अब जो ऑफ़र मेरी तरफ आ रही है ये बिल्कुल जेन्युइन है। जो भी पर्सन आपकी तरफ आया है वो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी है और उसको वो बहुत जल्दी से इस चीज़ को जो है ना वो फुलफ़िल करना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बाज़ दफ़ा ऐसी भी होती है जो कि जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी वापस भी चले जाते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके अंदर ये पावर है कि आप इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो मेरी तो आपको यही एडवाइस होगी कि अगर बार बार आप किसी भी नई ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले इतना ज़्यादा सोचेंगे जैसे एट ऑफ सोर्ड्स का आया है, तो शायद आप चीज़ों के अंदर पॉजिटिवली मूव करने के लिए आपको डिफ़िकल्टी बार बार होगी। तो इट्स बेटर कि आप जो है थोड़ा सा चांस लें और इस वक्त करंट एनर्जी आपकी यही कह रही है कि आप जो है वो जो भी आपके पास ऑफ़र आ रही है उसको आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें। लेट्स सी वेरी क्विकली कि आपको हीलिंग ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं। सी कंप्लीशन, आपने जितना भी पास्ट में पेन बेयर किया है आपको अब उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है किसी को आपने लूज़ किया हो, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो और इसी वजह से ये एक दुआओं का नतीजा है कि आपके पास इमीडिएटली आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, शायद आपको दुआ दी गई है, आपने किसी को खोया है, गॉड फॉरबिड किसी की फैमिली में रिसेंटली डेथ हुई है और आपको उसी के सिले में ये एक रिलेशनशिप ऑफ़र हो रहा है, बिकॉज मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। तो करंट एनर्जीज यही बता रही हैं कि आपके पास एक न्यू लव ऑफ़र आई है, आप उसके ऊपर उसका चांस लीजिए, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आप इस रिलेशनशिप को, इस ऑफ़र को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। नेक्स्ट कार्ड इम्पार्शलिटी का आया है, थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे ए नाइन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा मत सोचें, मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचने की वजह से आप अपनी पास्ट की एनर्जी में जा रहे हैं। अगर ये पर्सन जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले जाते हैं, आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पता भी है, तो चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपको यही मैसेज आ रहा है कि आप जो है वो बैलेंस मेंटेन करेंगे तो शायद इन पर्सन के आने जाने की जो एक इन एंड आउट करने की इनकी हैबिट है वो भी शायद कंट्रोल हो जाएगी। लास्ट कार्ड भी आप देखिए बैलेंस का ही आया है, वहाँ पर भी बैलेंस का आया है और यहाँ पर भी बैलेंस का आया है। तो यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, ये बहुत क्विक एनर्जी थी,
और क्विक रीडिंग थी जिसके अंदर हम आपकी करंट एनर्जीज को देख रहे थे। एक ये शॉर्ट रीडिंग थी, इट्स गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कवर की है ताकि टाइम सेफ हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो और मोबाइल को अपने हाथ पे पकड़ के बैठना ना पड़े। रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, थोड़ी सी चीज़ों में अनक्लैरिटी है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। कम सोचें, जो सोचें तो अच्छा सोचें, आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर आपकी है, आप चीज़ों को अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। दिस वॉज योर रीडिंग, जो भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं, पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई विल कम नेक्स्ट टाइम विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।